आम आदमी पार्टी ने 21 सीटों के ऊपर एक बार फिर से प्रत्याशी उतार दिए हैं और कुल मिलाकर के 44 सीटों के ऊपर आम आदमी पार्टी राजस्थान चुनाव में प्रत्याशी उतार चुकी है। इसी दरमियान 200 विधानसभा सीटों के ऊपर ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं और धीरे धीरे करके सभी विधानसभा सीटों पर यह प्रत्याशी उतारते हुए नजर आने वाले हैं। किस प्रकार की इनकी रणनीति है, किस किस को इस बार मैदान में उतारा गया है, इन सभी की तमाम जानकारी दिखाते हैं हमारी ये रिपोर्ट में। आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी। आपने दूसरी सूची में 21 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए। गुरुवार को पहली सूची में 23 सीटों पर उम्मीदवार की घोषणा हुई थी और अब तक आम आदमी पार्टी दो बार 44 सीटों पर उम्मीदवार उतार चुकी है। झालावाड़ जिले की खानपुर सीट से रिटायर्ड IAS अफसर RP मीणा को टिकट दिया गया। आपकी दूसरी सूची में बीकानेर वेस्ट से मनीष शर्मा, रतनगढ़ से डॉक्टर संजू बाला, सीकर से झाबड़ा सिंह कीचड़, शाहपुरा से रामेश्वर प्रसाद सैनी, चोमू से हेमंत कुमार कुमावत, सिविल लाइन से अर्चित गुप्ता, बस्सी से रामेश्वर प्रसाद जाट को उम्मीदवार बनाया गया। भैरवूड से एडवोकेट हरदान सिंह गुजर, रामगढ़ से विश्वेंद्र सिंह, नदबई से रोहिताज चतुर्वेदी, करौली से हिना फिरोज बैग, सवाईमाधोपुर से मुकेश भूप्रेमी, खंडार से मनवल बैरवा को टिकट दिया गया है। मारवाड़ जंक्शन से नरपत सिंह, बाली से लाल सिंह, जोधपुर से रोहित जोशी, साचौर से रामलाल बिश्नोई, शाहपुरा से पूर्णमल खटी, पीपलदा से दिलीप कुमार मीणा, छबड़ा से रिटायर्ड IAS RP मीणा और खानपुर से दीपेश सोनी को टिकट दिया है। आम आदमी पार्टी राजस्थान में अब तक बिना किसी गठबंधन के चुनाव लड़ रही है और अब तक पार्टी से गठबंधन नहीं किया किसी ने और आपने सभी 200 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का फैसला भी किया था। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए इतना ही, बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार।